मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसके अंदर भारतीय महिला खिलाड़ी ओपी जैशा अपनी मैराथन खत्म करते ही फिनिश लाइन पर बेहोश हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया गया था। आपको बता दें कि ओपी जैशा 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी और इस 42 किलोमीटर में पानी की या एनर्जी ड्रिंक की कोई व्यवस्था नहीं थी। गौरतलब है कि ओपी जैशा ने बताया कि वे किसी और टीम से पानी नहीं ले सकते थे, ये नियमों के खिलाफ है, और भारतीय स्टॉल लगाए जरूर गए थे लेकिन वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी मैराथन में सिर्फ 8 किलोमीटर के बाद एक बार उन्हें पानी दिया गया, वो भी ओलंपिक आयोजकों के कारण। दूसरी तरफ अपनी सफाई पेश करते हुए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने कहा कि हमें इसके बारे में किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई थी कि दौड़ के दौरान पानी की या एनर्जी ड्रिंक की जरूरत होती है। खेल मंत्री विजय गोयल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की ही जिम्मेदारी थी। अब सोचने वाला सवाल ये है कि जिस देश के खिलाड़ियों की हालत ये हो, क्या उनसे किसी भी तरीके के मेडल की उम्मीद करना उन पर ज्यादती नहीं है। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।